हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इट ट्रीट विद मी। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठा चीला, जिसके अंदर नारियल और पनीर का स्टफिंग दिया है मैंने। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के ब्रेकफास्ट और टिफिन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक करना ना भूलिए फॉर मोर रेसिपीज। मैंने यहाँ पे आधा कप उरद दाल लिया है, इसको हम पानी में भिगो लेंगे। आधा कप उरद दाल के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिया है। अभी इन दोनों चीजों को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने को छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे बाद पहले एक ब्लेंडर में हम भिगे हुए उरद दाल को पीस के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अभी हमारा उरद दाल का पेस्ट रेडी है। इसी ब्लेंडर में हम भिगे हुए चावल को भी अच्छे से पीस के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चावल का पेस्ट को हम उरद दाल के पेस्ट के ऊपर डाल लेंगे। अभी इन दोनों चीजों को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और नमक को बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये बैटर हमारा थोड़ा सा ऐसे थिक टाइप का होना चाहिए। बैटर अभी रेडी है। दूसरी तरफ स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम कसे हुए नारियल लिया है, 4 बड़े चम्मच चीनी, 50 ग्राम पनीर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई 4 छोटी इलायची, 3 से 4 चम्मच दूध, 2 चम्मच घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी को अच्छे से गरम करेंगे। घी अच्छे से गरम होने के बाद उसमें कसे हुए नारियल को डालेंगे और नारियल को हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर को हाथों से क्रश कर लिया है, इसको भी अभी हम डाल लेंगे। अभी इन सारी चीज़ों को और 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में फ्राई करेंगे। अभी उसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, क्रश किए हुए छोटी इलायची और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। पहले इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे, इससे हमारा नारियल और पनीर अच्छे से सॉफ्ट रहेगा और अच्छी सी खुशबू आएगी। अभी इन सारी चीज़ों को गोल्डन कलर होने तक धीमी आंच में फ्राई करेंगे। ये अभी थोड़े थोड़े कलर चेंज हो रहे हैं। अभी उसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। ये अभी हमारा कोकोनट और पनीर का स्टफ बनके रेडी है। गैस को अभी हम बंद कर लेंगे। चीला बनाने के लिए पहले एक तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद उसको मीडियम फ्लेम में रख के ऊपर से तेल डालेंगे और उसके ऊपर से बैटर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसे डोसा की तरह ज्यादा पतला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा थिक रखिए आप। अभी चीले के बीच में हम नारियल और पनीर का जो स्टफिंग बनाया था उसको अच्छे से भर के डालेंगे और चीला को हम तीनों साइड से फोल्ड करके एक ट्रायंगल शेप देंगे। इससे हमारा जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी इस चीले को हम दोनों साइड से हल्का हल्का ब्राउन कलर होने तक धीरे धीरे सेक लेंगे। अभी हम दूसरा साइड भी पलट लेंगे और दूसरे साइड को भी हम हल्का हल्का ब्राउन कलर होने तक सेकेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है।
ये अभी रेडी है, उसको एक प्लेट में अभी हम निकाल लेंगे। दूसरा चीला बनाने से पहले तवे में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे, इससे तवे का जो टेम्परेचर है वो मीडियम रहेगा, इससे आपका चीला अच्छे से कुक होके निकल जाएगा। इस तरह हम और भी चीला बना लेंगे। ये स्वीट कोकोनट पनीर चीला अभी बनके बिल्कुल रेडी है। पहले एक प्लेट में हम चीले को एक एक करके स्टैक कर लेंगे। अभी उसके ऊपर से चॉकलेट सॉस को अच्छे से ड्रिजल करेंगे। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर ये चॉकलेट सॉस के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हमारा स्वीट चीला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद है, इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।